पिज़्ज़ा के पास इतने पैसे कहाँ से आए? मेरे पास तो होते नहीं हैं। इतने पैसे इसके पास आए कहाँ से? एहसान बात तो आ रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी आप जैसा कहेंगे वैसे ही हो जाएगा जी। जरूर इंशाल्लाह। अच्छा वो वाली बात, हाँ हाँ मैंने बताई थी, हाँ समझ भी आ गई थी उसको। अच्छा फिर ठीक है। हाँ हाँ क्यों नहीं, आप जहाँ बोलेंगे मैं वहाँ आ जाऊँगी। अरे नहीं नहीं कोई मसला नहीं है। अच्छा चलिए मैं आपको बाद में कॉल करूँगी। कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, वो एक दोस्त की तरफ जाना है। दोस्त? हाँ दोस्त। कोई मसला है क्या? नहीं। अगर आप मुझे ना मिलते तो मेरे पाप कभी पूरे ना होते। नहीं, इसमें तुम्हारा फलूस भी तो शामिल है। आप देखना अब वो वक्त दूर नहीं कि मैं कैसे उड़ के दूसरे मुल्क पहुंच जाऊंगी। तुम्हारे ख्वाब पूरे हुए, मुझे खुशी है। अच्छा आइसक्रीम के लिए शुक्रिया, मुझे जाना है, मैं लेट हो रही हूँ, एहसान मेरा वेट कर रहे होंगे। चले मैं आपको छोड़ देता हूँ। कहाँ से आ रही हो? दोस्त के साथ मीटिंग पे गई थी। रेस्टोरेंट में? हाँ तुम्हें कैसे पता? पीछा कर रहे थे। तुम अगर बाहर गुलछर्रे उड़ाती फिरोगी तो मैं क्या ध्यान भी नहीं रखूंगा। क्या गुलछर्रे? तुम अपनी बीवी के बारे में जानते हो क्या कह रहे हो? हाँ जो बीवी किसी के साथ जहाज पे जाने की बातें करे जिसके पर्स में लाखों रुपए हो, मैं तो मुश्किल से घर भी नहीं चला पा रहा, और उसके बारे में क्या कहूँ मैं। यानी कुछ भी बिना जाने तो बोले जा रहे हो? अब जानने को और बाकी रह क्या गया है फिजा? वीडियो कॉल, मुलाकातें और जहाज पे जाने की बातें। ये मैं अपने अकेले के लिए नहीं कर रही हूँ, ये मैं हम दोनों के लिए कर रही थी। किसी और से मिलकर? वो मेरा गाइड है, उसने मुझे ऑनलाइन वर्किंग करना सिखाई है, और ये जो पैसे तुम्हें दिखाई दिए है ना, ये मेरे साल भर की कमाई है, और तुम जानते भी हो ये मैंने किस लिए जमा किए हैं पैसे। घर से भागने के लिए? नहीं, मिलकर उमरा करने के लिए, क्योंकि मैं जानती थी तुम्हारी आमदन कम है, और गैरतमंद होने की वजह से तुम घर के खर्चों में हाथ बटाने की इजाज़त नहीं दोगे, इसीलिए उमरे के लिए पैसे इकट्ठे करना शुरू कर दिए। पिछले हफ्ते जब ख्वाब पूरा हुआ, पैसे पूरे हुए, तो मैं गाइड का शुक्रिया अदा करने चली गई। अब हम अगले हफ्ते वीजा अप्लाई करके इकट्ठे उमरे पे जा सकते हैं, और तुम न जाने क्यों शक किए जा रहे हो, मुझे ये सब करना ही नहीं चाहिए था। नहीं फिजा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जब मैंने तुम्हें मोबाइल पे हंसते देखा तो मुझे तुम पे शक हुआ, मैं बहुत गुस्से में था, परेशानी में था, मुझे पता नहीं चला, मुझे माफ कर दो फिजा। आप कर दो तो।